नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 जनवरी 2022 की आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन चित्रा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन धृति नामक शुभ योग सुबह के 9:12 रहेगा, उसके उपरांत शूल नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 3:22 से लेकर शाम के 4:43 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम पर प्रगति का एहसास होगा। दोस्तों, लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संसारों को दबाने का एकमात्र साधन यही है। दोस्तों, जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। दोस्तों, अगर लोग केवल जरूरतों पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार हो जाता है। दोस्तों, नकारात्मक लोगों की संगति से बचिए, सकारात्मक बनिए और लोगों को भी अपने सकारात्मक विचारों से अभिभूत कीजिए। दोस्तों, ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। दोस्तों, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। नौ बनाओ अपने सफर को किसी कुश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपका उचित समय होगा। आपकी प्रतिभा व फिर क्षमता सबके सामने उजागर होगी, जिसे दोस्तों आपको कुछ उपलब्धियां भी यश में हासिल होंगी। किसी समाजसेवी संस्था में सहायता संबंधी गतिविधियों में भी उत्तम समय आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अनावश्यक खर्चों पर जो है ध्यान रखें, यश में खर्चों में आपको कटौती करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप वाहन या फिर घर से संबंधित लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों अपनी क्षमता से अधिक ऋण लेने का प्रयास यश में ना करें, और ये आपके लिए बेहतर होंगे। विद्यार्थी व फिर युवा वर्ग फालतू की गतिविधियों की अपेक्षा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए यश में बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों से सहयोग न मिलने पर परेशानियाँ बढ़ सकती है, निराशा के कारण काम से संबंधित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों पैसे से संबंधित तनाव भी आपका बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकार व्यक्ति की सहायता से आपको आपके जीवन में बढ़ रही तकलीफों से दूर होना संभव हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें अपने जो भी आपके वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनसे इसमें सलाह और विचार विमर्श जरूर करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों समय आपके लिए तो बेहतरीन वातावरण तैयार कर रहा है, अपनी कार्यक्षमता और योग्यता को आपको इसमें बस पहचानने की जरूरत होगी। घर तथा समाज में आपकी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी यश में बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोगों में जलन की भावना भी आ सकती है, परंतु दोस्तों इन बातों को आपको नजरअंदाज करके अपने स्वभाव में सजगता और मधुरता कायम रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे और भविष्य के लिए भी। आपको बता दें कि किसी मित्र के साथ आपका किसी बात बात की स्थिति भी बन रही है, तो दोस्तों यश में किसी के साथ उलझने की कोशिश ना करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर से संबंधित बड़े निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे,
नए घर या फिर प्रॉपर्टी को लेने के निर्णय में आपका महत्वपूर्ण सहयोग भी यश में रह सकता है। अगले 3 महीनों में आप अपने लक्ष्य के करीब कैसे जा सकते हैं, इस बात का यश में आपको योजना बनाना चाहिए और इसे अमल करने का आपको प्रयत्न भी करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में अद्भुत मानसिक शांति का आप अनुभव भी करने वाले हैं। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। घर में किसी प्रिय संबंधी के आगमन से खुशी का आप महसूस भी करेंगे तथा कई योजनाएं पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श भी यश में होने वाले हैं। इसको प्रणाम दोस्तों, यश में अपने स्वभाव में भावुकता होने की वजह से कोई छोटी सी नकारात्मक बात आपको परेशान कर सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में ना आए और दोस्तों यश में अपने काम से ही आपको मतलब रखना चाहिए। यश में अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना जरूरी होगा। इसको प्रणाम दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में आपका कन्फ्यूजन का सामना होगा। आप परिस्थितियों के प्रति लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका तकलीफ और अधिक बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों की अधिक चर्चा ना करें। जो निर्णय केवल आपको ही लेना है उस निर्णय के बारे में अधिक सोच विचार करके ही आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके सकारात्मक तथा संतुलित सोच विचार आपके कार्यों को पूरा करने में सहायक रहेंगे। समय अनुकूल है, विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। दोस्तों इसलिए पूरी तरह एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि हड़बड़ी में जो भी आपने निर्णय लिए हैं उनका परिणाम यश में आपको दिखने वाले हैं। जो बातें आपके मन के खिलाफ हो रही हो उनको दूर करने के लिए आपके द्वारा यश में प्रयत्न भी किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों गुस्से में निर्णय ना टालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। परिस्थिति के प्रति आपको स्वयं दिखाने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में बिजनेस में कोई भी नया काम करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके कार्यों में सहायक साबित होगी। मल्टीनेशनल कंपनी से कार्य कर रहे जो भी लोग हैं उन्हें विशेष कार्यभार यश में मिल सकता है। आपको इसमें पदोन्नति मिलने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि काम से संबंधित हो रही भागदौड़ आपके अंदर थकान पैदा कर सकती है जिसकी वजह से काम की क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को स्थगित रखें। पार्टनरशिप संबंधी चल रहे विवादों का समाधान निकलेगा तथा संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। दोस्तों कोई व्यापारिक नया एग्रीमेंट भी हो सकता है। युवा वर्ग जो जॉब संबंधी कोई भी शुभ सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया तथा ऑनलाइन कामों से जुड़े बिजनेस यश में सफल रहेंगे, परंतु अन्य व्यवसाय की गतिविधियाँ कुछ धीमी रहेंगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से घर में ऑफिस का काम भी करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आर्किटेक्ट या फिर रियल इस्टेट से संबंधित लोगों को यश में बड़ा फायदा नजर आ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के कामों में आपको अपनी मेहनत और परिश्रम के अनुरूप परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। मार्केटिंग में आपको आपकी जो छवि होगी वो बहुत ही उत्तम होगी और ये छवि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बेहतरीन ऑर्डर भी इससे आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने संपर्कों का दायरा भी यश में आप मजबूत रखें, ये आपके भविष्य के व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ दोस्तों यश में आपके अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा और इनमें पति पत्नी का बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में प्रगढ़ता आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके प्रति जो भी पार्टनर की बात होगी बहुत ही सकारात्मक बात होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक माहौल यश में खुशनुमा और फिर मधुर रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मान सम्मान में कमी ना आए। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए जो है पार्टनर्स मिलजुल कर अपने निर्णय को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंध तो बना रहेगा। प्रेम संबंधों में विवाह के लिए निर्णय लेने के लिए भी समय बहुत ही उत्तम समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की स्नेह व फिर आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में नजला, जुकाम अथवा कफ प्रकृति जैसे चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये चीज़ आपको परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए और इनका उचित इलाज भी करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें अगर आप थोड़े से भी सावधानी रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। परंतु दोस्तों वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना आपके लिए इसमें आवश्यक नहीं होंगे, तो दोस्तों यश में सतर्कता रहने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों कब्ज व फिर गैस की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा सुपाच्य आहार लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। मानसिक काम आपको करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, काम के साथ साथ आपको इसमें आराम भी करने की जरूरत होगी। और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।